फ्रेंड्स लेट्स स्टार्ट टुडे क्लास। वेलकम टू माय चैनल। Let's start today class. In today class, we are going to start chapter 3, pair of linear equation in two variable. In previous video, I have told about standard form. पिछले वीडियो में मैंने आपको स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में बताया और उसके टाइप भी बताए थे, कितनी लाइंस हैं, पैरेलल लाइंस के बारे में, कोइंसिडेंट लाइंस के बारे में और इंटरसेक्टिंग लाइंस के बारे में। उसको मैंने आपको डिटेल में समझाया था और उसे रिलेटेड क्वेश्चन भी करवाया। आज हमें पढ़ना है कि एलिमिनेशन मेथड होता है, व्हाट इज द एलिमिनेशन मेथड। ओके, आज की वीडियो में आपको समझाने वाला हूँ एलिमिनेशन मेथड क्या होता है। द एलिमिनेशन मेथड, चलिए समझते हैं इसको। द एलिमिनेशन मेथड इज द प्रोसेस ऑफ द एलिमिनेटिंग वन ऑफ अ वेरिएबल इन द सिस्टम ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। एलिमिनेशन मेथड क्या है? ये एक प्रोसेस है किसका? एलिमिनेटिंग का। एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना किसके थ्रू? इन द सिस्टम ऑफ द सिस्टम में, किसके सिस्टम में? इन द सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन के सिस्टम में, किस यूजिंग विद द हेल्प ऑफ, किसके हेल्प से? एडिशन और सब्ट्रैक्शन के मेथड से, इन द कंजक्शन विद द मल्टीप्लिकेशन और द डिवीजन ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल। ठीक है, तो इसमें एलिमिनेशन मेथड में क्या किया जाता है? एडिशन होता है सब्ट्रैक्शन मेथड से लीनियर इक्वेशन को, एक वेरिएबल को या वेरिएबल्स को क्या किया जाते हैं? ऐड किए जाते हैं और सब्ट्रैक्ट किए जाते हैं और उसकी सॉल्यूशन की जाती है, आंसर निकल जाती है लीनियर इक्वेशन वेरिएबल्स। और उसमें कभी कभी क्या किए जाते हैं? मल्टीप्लीकेशन और डिविजन किए जाते हैं इसका, कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल्स। ठीक है, the elimination method is the process of the eliminating one of a variable in the system of the linear equation using the addition or the subtraction. Addition or subtraction ka use hota hai usme method in the conjunction with the multiplication or the division of the coefficient of the variables. Isme yahi hota hai elimination method. Chaliye elimination method se related kuch question kiya. पहला क्वेश्चन ये दिया है कि 152x minus 378y equal to minus 74, ये इक्वेशन फर्स्ट है। सेकंड इक्वेशन क्या है? minus 37 plus 152y equal to minus 604, क्वेश्चन सेकंड है। इसको क्या करना है? ऐड भी करना है, सब्ट्रैक्ट भी करना है। चलिए किया जाए। लिखेंगे हम क्या? बाय एलिमिनेशन मेथड, फर्स्ट स्टेटमेंट ये रहेगा। फिर क्या लिखेंगे? एडिंग इक्वेशन वन एंड सेकेंड, पहले और दूसरे इक्वेशन को हम क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं। क्वेश्चन में क्या था? 152x माइनस 378 इक्वल टू माइनस 74, इक्वेशन फर्स्ट था। दूसरा इक्वेशन क्या था? माइनस 37 प्लस 152y इक्वल टू माइनस 604, ये था। ठीक है, इसको हमें क्या करना है? ऐड करना है। अगर हम इसको ऐड करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा? इसको जब ऐड करेंगे तो इसका आंसर होगा माइनस 226। ओके,
माइनस टू टू सिक्स अगेन यहां पे एक्स हो जाएगा और यहां पे क्या होगी वाई हो जाएगी इक्वल टू माइनस सिक्स सेवन एट. ओके आफ्टर कैलकुलेशन माइनस से एक्स माइनस वाई इक्वल टू माइनस थ्री होता है. ठीक तो जब ये x इधर जाएगा जब कैलकुलेशन होगी तो हमारा x प्लस y की वैल्यू आ जाएगी थ्री. ये हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा थर्ड. ठीक आगे बढ़ा जाए ये तो इक्वेशन थर्ड बन गया. अब हमें क्या करना है सब्ट्रैक्ट इक्वेशन टू फ्रॉम वन. अब सेकेंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करनी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 80 क्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. ठीक है 152 x माइनस 378 इक्वल टू माइनस 74 होता है. माइनस 378 x प्लस 152 y इक्वल टू माइनस 604. ठीक है इसको हमें क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है. ठीक है यहां पे प्लस का साइन हो जाएगा और जहां प्लस का रहेगा वहां पे माइनस यहां पे माइनस जहां रहेगा वहां पे प्लस. अब इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा आफ्टर कैलकुलेशन 530x माइनस 530y इक्वल टू 530 आएगा. ठीक तो जब हम इसको कैलकुलेशन करके दूसरे साइड भेजेंगे वैल्यू को तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा x माइनस y इक्वल टू 1. ठीक अब हमें क्या करना है नाउ अब हमें करना है एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ. ठीक है तो ये हमारा क्या है इक्वेशन फोर्थ. ठीक ऐड करनी है इतना सोल्यूशन करने के बाद इतना इक्वेशन करने के बाद इतना करने के बाद अब हमें क्या करना हो इक्वेशन थर्ड और फोर्थ हमने निकाला था अब उसको एड करेंगे x प्लस y इक्वल टू 3. ओके x माइनस y इक्वल टू 1 ये था हमारा इक्वेशन. ठीक ये था. ठीक है तो इसको जब हम ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा यहां पे हमारा यहां पे होगा ये जो एक्स एक्स होगा ये प्लस हो जाएगा तो यहां पे हो जाएगा 2x और ये एक्स जो ये जो वाई है ये कट जाएगी और ये जो 3 प्लस 1 है ये हो जाएगा 4. x की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी हो जाएगा x की वैल्यू 2. ओके ठीक अब हम यहां देखते हैं ना अब हमने
इतना कर लिया, एडिंग करने के बाद x की वैल्यू कितनी आई, x इक्वल टू टू आई ना। तो हम क्या करेंगे, पुटिंग पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन थर्ड में रखिए, इक्वेशन फोर्थ में रखिए, कोई मतलब नहीं, कोई दिक्कत नहीं है ना। थर्ड मैं थर्ड में रख लूंगा, ठीक है। इक्वेशन थर्ड क्या है, इक्वेशन थर्ड है x प्लस y इक्वल टू थ्री, तो x की जगह टू रख देंगे, टू प्लस y इक्वल टू थ्री, y इक्वल टू आ जाएगा वन। x की वैल्यू टू है और y की वैल्यू वन है, ये हमने दिखा दिया। इसी सॉल्यूशन के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, इसको एक बार आप देख लीजिए, तब मैं बढ़ूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड ये बोल रहा है 3x माइनस 5y इक्वल टू 90, क्वेश्चन फर्स्ट, माइनस 7x प्लस 3y इक्वल टू 1, क्वेश्चन सेकेंड, ठीक है, ठीक है। अब इसका सोल्यूशन देखते हैं, ठीक है। लिखेंगे सेम प्रोसेस बाय एलिमिनेशन, ठीक। अब ये वैल्यू दी गई है, क्वेश्चन था 3x माइनस 5y इक्वल टू 19 और सेकंड इक्वेशन माइनस 7x प्लस 3y इक्वल टू माइनस 1 का, क्वेश्चन पीछे आप देख सकते हैं, ठीक है। मैं आपको बैक करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक। ये क्वेश्चन था, तो बाय हम इसका सोल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन था कि 3x x माइनस 5y इक्वल टू 90 और सेकंड इक्वेशन माइनस 7x प्लस 3y इक्वल टू माइनस 1, ठीक। इसका सोल्यूशन देखते हैं, बाय एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, बाय एलिमिनेशन मेथड हमें ये दोनों वैल्यू अब कटेगी नहीं, तो इस दोनों वैल्यू को हमें क्या करना है, कटाना है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको कर देंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन वन, इक्वेशन वन को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, बाई किससे, थ्री से, थ्री से ऊपर नीचे, हम ऊपर नीचे नंबर से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, और एंड इक्वेशन जो टू रहेगा हमारा वो किससे होगा मल्टीप्लाई, बाई फाइव से हो जाएगा, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और फिर क्या करेंगे, एंड क्या कर देंगे, एड एडेड कर देंगे, और कुछ नहीं, ठीक। इतना करने के बाद ऐड कर दीजिए इक्वेशन को, इक्वेशन मल्टीप्लाई करने के बाद हमारी वैल्यू आएगी 9x माइनस 15y इक्वल टू 57,
और इक्वेशन सेकंड की वैल्यू आएगी माइनस 35 प्लस 15y ओके इक्वल टू माइनस 5 मल्टीप्लाई करने के बाद, तो ये जो हम क्या कर रहे हैं इसको प्लस कर रहे हैं, तो ये जो 9x माइनस 35y को जब हम प्लस करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 26x, ठीक है, और y माइनस 15y और प्लस 15y क्या हो जाएगा, ये कट हो जाएगा, ठीक, और यहाँ पे क्या होगा जब इसको माइनस करेंगे 57 माइनस 5 यहाँ पे बचेगा 50, ठीक है, तो हमारा x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी माइनस 2 ओके ठीक। अब हमारी x की वैल्यू आ गई माइनस 2 तो हमें क्या करना है, अब कर दीजिए पुट द वैल्यू putting the value of x in equation 1, question 1 में रखिए 2 में रखिए आंसर सेम आएगा, तो equation 1 क्या था, equation 1 लिखिए 3x माइनस 5y इक्वल टू 19, ये इक्वेशन था हमारा, तो पुट कर दीजिए x की वैल्यू 3 मल्टीप्लाई कर दीजिए तो जो 6 होता है माइनस 5y ऐसे ऐसे चीज होगा इक्वल टू 19 कर दीजिए, ठीक है, अब क्या कीजिए 5y को उधर लिख दीजिए और माइनस वेरिएबल्स एक तरफ और नंबर से कर दीजिए माइनस 19 माइनस 6 कर दीजिए, 6 उधर जब इधर जाएगा तो वो हो जाएगा माइनस हो जाएगा, अब नेक्स्ट आगे लिखेंगे आप 5y इक्वल टू माइनस 25 कर दीजिए, ठीक है, जब ये प्लस होगा तो माइनस 25 हो जाएगा और 19 बढ़ाया तो और तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, तब हमारी y की वैल्यू 5 होगी और ये साइन माइनस का साइन है माइनस का साइन, तो x की वैल्यू माइनस 2 y की वैल्यू माइनस 5, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का सलूशन यही था, अब आगे बढ़ते हैं, एक बार इसको देख लीजिए आप, आगे बढ़ जाओ, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, 6x प्लस 3y इक्वल टू 6xy इक्वेशन 1, और सेकंड इक्वेशन क्या है 2x प्लस 4y इक्वल टू 5xy, ये क्वेश्चन वैसे ही करना है मगर थोड़ा सा डिफरेंट है ये क्वेश्चन, ठीक है, चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं, तब क्वेश्चन हार्ड हो या इजी हो क्वेश्चन को समझ लीजिए, पढ़िए कम से कम 2-3 बार पढ़िए और क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए और उसका सोल्यूशन, क्वेश्चन ये सब बहुत इजी है, ये चैप्टर भी बहुत इजी है, इसमें कोई डाउट नहीं आएगा आपको, मैं पढ़ा देता हूँ आपको अच्छी तरह से, अब इसमें क्वेश्चन दिया था 6x plus 3y equal to 6y, इक्वेशन फर्स्ट था और दूसरा इक्वेशन क्या था 2x plus 4y equal to 5x, मैंने सही बोला, ठीक, तो इसमें हमें क्या क्या करना है, xy दोनों इक्वेशन में दिया है तो हम क्या करेंगे डिवाइडिंग, इसमें करूंगा डिवाइडिंग, पहले हम लिखेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड,
dividing both side divide कर देंगे both side किसका equation one and equation two को by xy से equation one और equation two को divide ठीक है अगर हम divide करते हैं तो डिवाइड करने के बाद क्या होगा हमारा क्या होगा क्या आएगा 6x ना 6x अपॉन एक्स वाई ठीक प्लस 3y अपॉन एक्स वाई यही आएगा ना इक्वल टू 6xy अपॉन एक्स होगा ना इक्वेशन क्या था फर्स्ट दूसरा इक्वेशन 2x अपॉन एक्स वाई प्लस 4y अपॉन एक्स वाई ना यही था चलो इक्वल टू 5xy अपॉन एक्स तो यहां से एक्स एक्स कट जाएगा ठीक यहां से वाई वाई यहां से एक्स 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 वाई एक्स वाई दोनों कट जाएगा सेम इसमें भी एक्स एक्स कट जाएगा वाई वाई और एक्स वाई दोनों कट जाएगा ये क्वेश्चन क्या था तो क्या बचेगा 6 अपॉन एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स नहीं 3 अपॉन वाई प्लस 3 अपॉन एक्स ठीक इक्वल टू 6 ये अभी हो जाएगा इक्वेशन थर्ड नेक्स्ट वाले में क्या बचेगा 2 अपॉन वाई प्लस 4 अपॉन एक्स इक्वल टू 5 इक्वेशन ठीक है पता चल गया अब हमें क्या करना है अगर इक्वेशन को हमें क्या करना है इक्वल अगर इक्वेशन को काटना है क्या करेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन फोर बाय थ्री इक्वेशन फोर को सिर्फ हम मल्टीप्लाई करेंगे थ्री से एंड सबट्रैक्ट इट From equation third, ठीक ये करेंगे ठीक जब हमारा equation three क्या था 6 upon y लिख देंगे plus 3 upon x equal to 3 नहीं equal to 6 ये है और इक्वेशन फोर को मल्टीप्लाई कर देंगे हम तो क्या आएगा इसका भी आ जाएगा 6 अपॉन वाई हो जाएगा प्लस 12 अपॉन एक्स हो जाएगा इक्वल टू क्या होगा 15 यहां पे करना है हमें तो सब्ट्रैक्ट तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे तो ये क्या होगा कट जाएगा प्लस माइनस क्या होता है कट जाते हैं प्लस माइनस क्या होता है कट जाता है यहाँ पे ये वैल्यू कट जाएगी तो हमारा क्या बचेगा
थ्री अपॉन एक्स होगा, बचेगा माइनस का साइन लग जाएगा, 12 अपॉन एक्स हो जाएगा इक्वल टू माइनस नाइन। इसको जब माइनस माइनस करेंगे माइनस नाइन हो जाएगा। साइन यहां पे होगी एक, ठीक है, एक साइन यहां पे हो जाएगा। माइनस करेंगे इसको तो माइनस नहीं हो जाएगा, एक ठीक है, वैल्यू हमारी ये आ गई, ठीक वैल्यू आ गई है हमारी। अब हम क्या करेंगे, 12 को जब माइनस करेंगे हम 3 से तो क्या बचेगा, माइनस नाइन होगा। और एक्स एक्स नीचे वेरिएबल सेम है, मतलब वेरिएबल सेम है तो क्या कर देंगे अपॉन एक्स इक्वल टू माइनस नाइन, के नीचे कुछ नहीं है तो अपॉन वन मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा, माइनस नाइन एक्स इक्वल टू नाइन, अरे माइनस नाइन हो जाएगा। क्या होगा, यहां से माइनस और यहां से माइनस क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, ठीक। अगर यहां से माइनस वो कट जाते हैं हमारे, तो ठीक है, यहां के माइनस कट जाएंगे तो फिर क्या बचेगा हमारा, हमारा वैल्यू होगा x इक्वल टू वन, ठीक ठीक है, यही होगा x इक्वल टू वन। ठीक है, x इक्वल टू वन हो जाएगा। अब क्या करना है हमें, x इक्वल टू वन आ गया, ठीक। तो अब हम x इक्वल टू वन आ गई है, x की वैल्यू वन, तो हम क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन वन, इक्वेशन फोर में, इक्वेशन फोर में रख लीजिए, इक्वेशन फोर में रखिए या थर्ड में रखिए कोई दिक्कत नहीं है, आंसर वही आना है, सेम आंसर आना है। इक्वेशन फोर क्या थी हमारी, क्या थी बताया, सिक्स अपॉन वाई ठीक प्लस थ्री अपॉन एक्स इक्वल टू सिक्स, ये हमारी इक्वेशन। एक्स की वैल्यू हमारी वन है तो एक्स की जगह हम वन रख देंगे तो सिक्स अपॉन वाई एज इट इज रहेगा हमारा, प्लस थ्री अपॉन वन हो जाएगा इक्वल टू सिक्स हो जाएगा, होगा हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब लिखाएगा आफ्टर कैलकुलेशन यहां पे क्या हो जाएगा, थ्री वाई, थ्री वाई इक्वल टू सिक्स, थ्री वाई इक्वल टू सिक्स हो जाएगा। तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी यहाँ पे, आफ्टर कैलकुलेशन थ्री वाई इक्वल टू सिक्स जाएगा हमारा। तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, सिक्स अपॉन टू हो जाएगी, ठीक, सिक्स अपॉन टू नहीं सिक्स अपॉन थ्री होगी। तो हमारी y की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी यहाँ पे, तो इस सॉल्यूशन में क्या था कि जैसे हमने
पीछे दो क्वेश्चन करवाए हैं आपको, वो तो एज इट इज ऐसे ही था, मतलब एज इट इज उसको क्या करना था, सब्ट्रैक्ट कर देना था, ऐड कर देना था, सब्ट्रैक्ट कर देना था, एक्स की वैल्यू निकल जाए दूसरे वैल्यू पे, मतलब इक्वेशन फोर्थ में दूसरे इक्वेशन में या इक्वेशन वन या टू जो भी इक्वेशन रहा था तो उस इक्वेशन में पुट कर देने थे, इक्वेशन पहले में रखी है दूसरे में रखी है कोई दिक्कत नहीं है, दोनों के आंसर वही आने वाले थे। तो ऐसे किए थे हम लोग, ऐड किए थे, सब्ट्रैक्ट किए थे एलिमिनेशन मेथड से, और उसको क्या किया था हम लोग ने उसको क्या किया था उसको पहले फिर जब x की वैल्यू निकल जाती थी उसको पुट करके दूसरे इक्वेशन में हमने y की वैल्यू निकाल ली। इसमें भी वही हम लोग का था, मगर इसमें था चेंजिंग था, क्योंकि इसमें क्या था xy भी दे दिया था, क्वेश्चन था 6x plus 3y equal to 6xy और 2x plus 4y equal to 5xy। तो इसमें क्या था कि इसमें हमारे ऐसे सॉल्व होते ही नहीं हमारे ये क्वेश्चन, तो इसमें हमें क्या करना था, इसको डिवाइड करना था, डिवाइडिंग बोथ साइड, तो बस इसको डिवाइड कर देना था इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को xy से हम जब डिवाइड कर देते इसको तो हमारे क्या वैल्यू हो जाती xy से जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है xy, तो अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो आप लोगों को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, खटाक से इसका आंसर आप लोग सोल्यूशन कर लीजिएगा, इसमें कुछ नहीं होगा, इसमें सिर्फ यही करना है कि xy होगा या कोई भी वेरिएबल होगा उसको क्या करना है बोथ साइड मल्टीप्लाई करके इसका सिंपल फॉर्म निकाल देना है। xy को सब हम जब हम बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे तो एग्जैक्टली वो आ जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, तो 6/y हो जाएगा, तो ये हमारे लिए जब बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे xy से तो हमारे लिए इजी हो जाएगा सोल्यूशन। जब ये हो जाएगा तो हमारा जब दो वेरिएबल दो आ जाएंगे इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन फोर्थ, तो हमें अब इसको सॉल्व करना है, इक्वल करने के लिए क्या करेंगे हम, जब इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6/y आ ही जाएगा, ये कॉमन सेंस है, इसको हमें सोचना पड़ेगा। तो और प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोग क्या किया था, ऊपर नीचे हमने मल्टीप्लाई कर दिया था, ठीक है ये, ठीक है इसमें थोड़ा चेंज है, डिवाइड करने के बाद क्वेश्चन को थोड़ा इजी करने के बाद हमें क्या करना है, ठीक है मल्टीप्लाई कर देना है इक्वेशन 4 को 3 से, फिर इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है, सबसे इजी सब्ट्रैक्ट ही करेंगे ना, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा हमारा, क्या आएगा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू कट जाएगा, हमें काटने ही ना वैल्यू काट के x की वैल्यू निकालनी है ना, जब ये कट जाएगा तो वैल्यू क्या आ जाएगी 3/x - 12/x = -9, इसमें से जब माइनस होता है ये क्या बचेगा -9 हो जाएगा अपॉन x, ठीक दोनों वेरिएबल सेम है अपॉन x इक्वल टू -9/1 रख देंगे, 1 रखिए हमारा रखिए कोई दिक्कत नहीं है, इजी सॉल्यूशन के लिए हमें 1 रखना पड़ेगा। अब क्या करेंगे -9x इक्वल टू -9 क्या करेंगे यहाँ पे हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमें लिखना होगा कि क्रॉस मल्टीप्लाई बाय क्रॉस मल्टी बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हमारा ये क्या है बाय क्रॉस मल्टीप्लाई है ना, तो बाय क्रॉस मल्टीप्लाई है तो बाय क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारा आंसर ये आ जाएगा -9x इक्वल टू -9, x की वैल्यू बन जाएगी। इसमें स्टार्टिंग में कुछ नहीं करना है, बस डिवाइड कर देना है इक्वेशन को, इक्वेशन को जब डिवाइड कर देंगे तो इजी हो जाएगा, और फिर जैसे मैंने आपको प्रीवियस वाला क्वेश्चन समझाया था फिर वैसे करके आपको करके वैल्यू निकाल देनी है x की वैल्यू निकल जाएगी, तो दूसरे इक्वेशन में पुट कर लीजिए, पहले वाले में कीजिए या दूसरे में कीजिए, जिसमें करना है इक्वेशन में उसको इक्वेशन, दो इक्वेशन रहते हैं दोनों में से जिसमें भी आप करना चाहें इक्वेशन को, थर्ड में करना चाहे थर्ड में कीजिए, फोर्थ में करना चाहे फोर्थ में कीजिए, आंसर सेम आने वाला है, y की वैल्यू सेम आएगी, जैसे पुटिंग द वैल्यू ऑफ द x इन द इक्वेशन 4 पुट कर देंगे वैल्यू हम x की जगह, यहाँ पे हम 1 रख देंगे तो इक्वेशन आ जाएगा 3y / 6, y की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, इसमें भी यही। अगर इक्वेशन थर्ड क्या बता, इक्वेशन थर्ड में भी अगर हम रखेंगे ना वैल्यू तो हमें कोई दिक्कत नहीं, समझे, तो इक्वेशन अगर थर्ड में भी रखना चाहे ना हम उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या मिस्टेक हो गई है,
यहाँ पे इक्वेशन फोर की जगह यहाँ पे इक्वेशन ये थ्री, ठीक है, ये मैंने इक्वेशन थ्री में रखा था, गलती से फोर लिख दिया था, तो ये इक्वेशन थ्री में रख दीजिए, आंसर आई की वैल्यू टू होगी। इक्वेशन फोर में भी रखेंगे आप तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। आप चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये दो क्वेश्चन हैं, मैंने इस एलिमिनेशन मेथड आज आपको समझाया, आपको समझ में आ गया होगा, तीन क्वेश्चन भी करवाए अच्छी तरह से, ठीक। तो उससे रिलेटेड, एलिमिनेशन मेथड से रिलेटेड दो क्वेश्चन दिए हैं। पहला क्वेश्चन ये है, ये दूसरा क्वेश्चन ये, पहला क्वेश्चन ये बता रहा है 1/2x + 1/3y = 2, पहला इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन 1/3x + 1/2y = 13/6 = 2nd इक्वेशन। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, वैसे ही होगा जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन करवाया है, तीन को वैसे ही होगा, और ये वो वाला नहीं है डिवाइडिंग बाय बोथ साइड वाला क्वेश्चन नहीं है ये, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर सेकंड वाला x - y = -1, 3x + 2y = 12, ये क्वेश्चन वन है हमारा और ये क्वेश्चन टू, ठीक है, ये क्वेश्चन वन, ये क्वेश्चन हमारा टू है। ये दोनों क्वेश्चन करके आपको कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर रिप्लाई करना है, आंसर बताना है। अगर इन दोनों क्वेश्चन में कोई भी डाउट आता है तो आप फ्री हैं कर लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कॉमेंट फॉर माई वीडियो। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और इन दोनों क्वेश्चन का आंसर कॉमेंट में जरूर बताइएगा। और आपको कैसा वीडियो लगा प्लीज लाइक करके कमेंट करके सब्सक्राइब करके बताइएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप शेयर जरूर कीजिए।